वेलकम है GTA 5 के 50वें एपिसोड में सभी का स्वागत है यार। गाइस आप लोग ने यार अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया और आज हम लोग 50वां एपिसोड लेके आ चुके हैं एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक यार, आई होप आप लोग कर दोगे। एंड वीडियो फुल देखना यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड गाइस यार मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बोला था कि यार इंस्टाग्राम पे ना आप अपने अपने फ़ोटो वगैरह सेंड करो एंड मैं वो वाले फ़ोटोज़ अपने वाले मेंशन पे लगा दूंगा। एंड जिसने भी मुझे फ़ोटो वगैरह सेंड किया ना भाई, मैंने वो लगवा दिया है। एंड आप लोग वीडियो में देख लेना, मैं आपको मिल जाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इधर क्या कर रहा हूँ, इधर माइकल कैसे फंस चुका है। तो यार गाइस मैं ना इधर कैसे फंस चुका, उससे पहले आपको बता दूँ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो यार चलो फटाफट से ना लास्ट एपिसोड में क्या सीन था वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे जूनियर जनरल की कॉल आई थी एंड वो कह रहा था कि यार देखो जो अपना सीनियर जनरल है ना भाई, वो नेवी फाइट में उसको हार चुका है चाइना की आर्मी से एंड उसे ना चाइना के लोग उठा ले गए एक आइलैंड पे, पता नहीं यार कौन सा आइलैंड था। फिर हमने वो बहुत मुश्किल से फाइंड वगैरह किया एंड वगैरह वहाँ पर बहुत गंदी वाली फाइट वगैरह किया एंड भाई वहाँ पर ना इतने सारे लॉस एंड उसके हॉस्टेजेस वगैरह थे एंड उसको भी बहुत खतरनाक तरीके से रेस्क्यू किया। सिर्फ मैंने और एक मेरे साथ एक कमांडर था, हम दोनों ने मिलकर ना इतना गंदा वाला ऑपरेशन रेस्क्यू वाला ऑप्शन किया एंड वाइज फाइनली सबको बचा लिया। और गाइज फिर उसके बाद मैं लॉस एंड में आता हूँ ना, तो और मुझे पता चलता है हैकर गर्ल से कि यार जो अपना शोरूम है ना भाई, वो शोरूम को बिल्कुल ही उड़ा दिया है, मतलब ब्लास्ट वगैरह कर दिया ये मास मैन के बच्चे ने। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी यार, मेरा ना पूरा का शोरूम तहस नहस हो चुका है। अब पता नहीं यार आगे का इस क्या सीन होने वाला है, अब आगे का देखते हैं क्या सीन है यार। अभी ना फिलहाल ऐसा सीन है, मैं रास्ते में से कहीं जा रहा था, ठीक है ना, मतलब मस्त जा रहा था मेंशन वगैरह पे, और यहाँ पे कुछ मेरे को यार ये पता नहीं कौन लोग हैं फालतूगिरी कर रहे हैं, मतलब मेरा रास्ता अटका रहा है। और मैं इसलिए इनको मार नहीं रहा हूँ, इनको मारने का ना भाई 2 मिनट भी नहीं जाएंगे, बट मेरे सामने इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन रख दी है एंड ये मुझे कह रही कि तू ना, अरे अरे भाई गाड़ी का लेके जा रहा है भैंस की आग, मेरे को बात तो करने दे, भैंस की आग गाड़ी ले जा रहा है, देख रहे हो यार इतनी रेयर वाली कार, ये मेरे को कह रहा है। जब मैं इधर से जा रहा था ना, इन लोग ने एक लेडी, ये दिख रही सामने वाली, उसको भाई गन पॉइंट पे रखा था एंड वो कह रहे थे कि जल्दी से उतर, तू माइकल है ना, तू बहुत लोगों की जान वगैरह बचाता है एंड इसकी भी जान बचा के दिखा। एंड वो के मुझे कह रहे हैं कि अगर तू हमें मारता है तो हम इसको गोली वगैरह मार देंगे एंड ये मुझे फोर्स कर रहा है कि तू इसको गोली मार वरना हम तेरे को मार देंगे। यार मतलब ये क्या जोकरपंथी कर रहा है, मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि मैं इसको शूट करूँ वरना फिर ये मुझे जाने देंगे, और ये साला देखो रिकॉर्डिंग कर रहा है एंड वायरल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, तो ये माइकल का नाम ख़राब करने की कोशिश चल रही है इधर भाई साहब, मतलब ये क्या सीन है भाई, और ये क्या ही, मतलब अब मैं लड़की को मार नहीं सकता हूँ यार, अब इनको मारने में 2 मिनट लगेंगे ना यार, ये ऐसे ही पंटर लोग हैं समझ रहे हो। अब यार मुझे ना कुछ सोचना होगा, और यार अब माइकल की जान पता नहीं कैसे बचाएंगा, बस इन लोग को ना एक बार मैं थोड़ा सा बातों में लगा दूँ, अभी बारिश भी इतनी तेज़ आ रही ना यार, कुछ समझ वगैरह कुछ आ नहीं रहा है। एंड ये लड़की पता नहीं यार क्या पता इनकी टीम की हो, मेरे को तो लग रहा है इनकी टीम की होगी। एंड ठीक है यार अब कुछ ना कुछ करता हूँ, सोचता हूँ एंड फटाफट से पता करते हैं। और यार एंड एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ना भाई ट्रेवर आ गया और सबको मार दिया, अरे भैंस क्या उस लेडी को भी मार दिया क्या, अरे साले, अरे वो लड़की कहाँ गई, ओ शिट यार, यार ये ट्रेवर का बच्चा कसम से ना यार तू, अरे तू तो मेरा दुश्मन है साले, कोसमास से मिला हुआ है और तू मेरी जान क्यों बचा रहा है, साला मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और ये मुझे कह रहा है कि यार देख मैंने कोसमास जो है ना भाई उसकी टीम छोड़ दी, मुझे माफ़ कर दे साले, तूने यार गलत काम किया गाइस, अब क्या ही बोलूँ यार इस बेचारे, यार जल रही है, अब कुछ है भी नहीं इधर पानी वगैरह एंड यहाँ पे ये सारे फायर ब्रिगेड वाले तो आ गए, अरे इसको बचाओ, अरे पाजी, अरे भैंस क्या ये, इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, ये क्या ही बोलूँ, इनकी कुछ फट रही है भाई, ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है ट्रेवर भाई, तू ना पहले मेरा दिमाग ख़राब मत कर, इधर से चला जा, तू पहले मेरा बहुत बड़ा वाला दुश्मन है एंड तेरी वजह से ना मेरा पूरा नाम ख़राब हो रहा है। और जो जूनियर जनरल है ना साले, ये ले
तेरे वजह से, मतलब तेरे पे इतने ज़्यादा इस पर क्राइम है ना, इसने पता नहीं क्या क्या किया लॉस एंजेलिस में यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये मेरा पुराना फ्रेंड है इसलिए मैं इसकी जान ले नहीं रहा। ये मेरे को अब कह रहा है कि यार देख मेरे मास, जो गोश मास है ना, जो अपना दुश्मन है, मास्टर नाम है उसका कुछ ऐसे, अरे उसकी टीम छोड़ दी है एंड मैं किसी की टीम में नहीं हूँ अब। वाह, मतलब ये इतना धोखेबाज बंदा है ना, मेरे को इसने एक बार धोखा दिया, अब ये दूसरी बार मेरे को धोखा नहीं दे सकता। साले अब तेरा ना गेम ओवर है, मैं तेरे को मार ही दूंगा। ये कह रहे कि जितना मारना है मार, बट कोई बात नहीं, तेरे को यकीन आ ही जाएगा, मैंने तेरी जान बचाई, वरना मैं तेरे को यहाँ पे मार देता। अगर मेरे को मारना होता तो मैं तेरी जान, मतलब तेरे को बचाता या नहीं। यार ये भी सही बोल रहा है गाइस, अब यार इसने मेरी जान तो बचाई है, बट मैंने भी तेरी जान बचाई है मिलिट्री कर्नल से गाइस, क्योंकि इसको ना पकड़ लिया था वहाँ पर एंड ये बिल्कुल भी जेल में सड़ने वाला था, बट मैंने इसको भाई जाने दिया एंड वगैरह वगैरह। आपने अगर पिछले एपिसोड देखा होगा तो यार अब ये कह रहा है कि देख माइकल, अब देखो अब टाइम आ चुका है, पहले जैसी दोस्ती करेंगे और बढ़िया बढ़िया पार्टी वगैरह चोरी वगैरह करेंगे एंड अपनी जो पुरानी लाइफ है ना वो करेंगे। बट अभी भी मेरे को मन नहीं भर रहा, मैं इसको मारने का मन कर रहा हूँ भाई, अभी भी देख रहे हो साला फाइट वगैरह कर रहा है। अब यार गाइस इमोशनली कर रहा है ये भाई, मार भी खा रहे हैं हम दोनों, एक मार भी रहे, बट भाई बारिश भी हो रही है। ठीक है यार अब क्या करूँ गाइस, इसकी बात तो भी सही है ना, मतलब ये मुझे मारना चाहता था तो ये मुझे पहले ही मार देता, अब ये पता नहीं क्या कर रहा है, देख रहे हो मतलब बारिश में भीग रहा है एंड ये तो भाई ये तो उसकी स्टाइल मार रहा है गोश मास की। यार तू देख, तू बहुत बड़ा वाला धोखेबाज है, मैं तेरे से ना यकीन तो मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला गाइस, मतलब मैं इसको मारूंगा नहीं, ये मेरा पुराना फ्रेंड है यार, क्योंकि आपने पता ही होगा यार बहुत कुछ किया हम लोगों ने साथ में एंड ये भी मुझे मारना नहीं चाहता है एंड ये कह रहा है कि यार हम दोनों एक बढ़िया वाली टीम बनाते हैं। बेटा मुझे हंसी आ रही, मैं तेरे टीम में आऊँगा भाई, तेरे जेब में कौड़ी नहीं थी, मैंने तेरे को कार गिफ्ट की, मेंशन गिफ्ट किया और तेरे को थोड़े पैसे भी दिए, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया है और तू चाहता है कि मैं तेरे टीम में आऊँ, मतलब ये इतना जल रहा था ना माइकल से, कसम से गाइस क्या ही बोलूँ। और ये गोश मास के टीम में चला गया और अभी भी है कि नहीं पता नहीं यार, ये बोल रहा है कि अब निकल चुका हूँ। बेटे तू ना भरोसे के लायक नहीं, तू चला जा यहाँ से, तू चला जा भाई, ठीक है ना। यार अब क्या करूँ गाइस, इसको मार दूँ क्या, एंड ये कह रहा है कि अगर तेरे को अभी भी यकीन नहीं आता है तो मेरे सर पे गोली मार दे। यार ये तो ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा है, ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा है, बट ये बिचारी की जान चली गई यार, एक सिविलियन की जान चली गई, अब क्या ही करूँ। बट ये बंदे थे किसके, ये मास्क वगैरह पहने यार, ये गोश मास्क लग नहीं रही है, बट यार इसकी जान चली गई ना, ये घोचो आया ऊपर से पता नहीं क्या किया, जैसे मैं अटक चुका हूँ भाई, जैसे मैं डर रहा था उनसे, भाई मैं अकेला सबको मार दूंगा। मेरे सामने सिचुएशन आ गई ऐसी थी कि यार आपको पता है मैं उसकी जान ले नहीं सकता, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, अगर मैं उनको मारता तो वो उसको मार देते ना, अब मैं भी फंसा हुआ ऐसा डायरेक्ट हीरोपंती दिखाने के चक्कर में लड़की को भी मार दिया। यार इतना बेवकूफ़ है यार तू, ये कह रहा है कि यार जाने दे, अब क्या ही कर सकते, जो भी हुआ है भूल जाते हैं एंड पार्टी वगैरह करते हैं एंड बहुत कुछ करते हैं। अरे साले मेरी कार चोरी हो गई इधर, लिटरली मेरी भाई मॉडिफिकेशन किया था मैंने बेनी से स्पेशली, इतनी खतरनाक वाली मेरी कार मॉडिफिकेशन करवाई थी एंड ये कह रहा है कि ऐसा वैसे करते हैं। चलो यार फटाफट से ना यार चलते हैं और गाइस देखते हैं क्या सीन है एंड क्या नहीं है। सो ऑल राइट यार गाइस फाइनली ना एंड ये कह रहा है कि चल, इसने मैं जा ही रहा था बट इसने मुझे बोला चल मेरे घर पे चल। और ये तेरा घर है, ये मैंने तेरे को मेंशन गिफ्ट किया और ये बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट, ये कोई ट्रैप तो नहीं है ना बेटे, ये छोटे मोटे मेरे को लग रहा है ना ये ट्रेवर के लोग हैं यार, ये मेरे को लग रहा है वहाँ पे ट्रेवर कहाँ से आ गया उधर इतने बड़े जंगल में एंड ये देखो कि तेरे घर के सामने बंदे क्या कर रहे हैं, व्हाट द हेक ब्रो, लिटरली यार ये ट्रेवर धोखा दे रहे हैं भाई, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मान रहा, मैं इसको मार दूंगा इधर, मतलब इसके घर के सामने पंटर लोग हैं देख रहे हुए चूजे वहाँ पर माइकल को मारेंगे इनको, क्या पता भी माइकल ने क्या क्या करके बैठा है भाई। अभी तो मैंने हेलमेट भी पहन लिया है, अब तो हेडशॉट तो दूर की बात कुछ होने वाला नहीं है, चलो निकाल देता हूँ थोड़ा हीरो बन जाते हैं। बट ये ट्रेवर के घर के सामने क्या कर रहे हैं मुझे ये बताओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, तेरी तेरी औकात दिखा दूंगा मैं, ठीक है
तेरी औकात अभी दिखाता हूँ, जब इसको बताता हूँ ये तेरे घर के सामने भाई वही बंदे बिल्कुल ही, मुझे लगा दूसरे होंगे। एंड ये मेंशन मैंने खुद उसको गिफ्ट किया था गाइस, आपको याद होगा फ्रैंकलिन और ये दोनों को मैंने खुद गिफ्ट किया था, बट मैंने फ्रैंकलिन को मेंशन गिफ्ट नहीं किया था। इसके पास बेचारे के पास एक झोपड़ी में रह रहा था ये, जिसको मैंने घर दिया, पैसा दिया, गाड़ी वगैरह दिया, आपको याद होगा। और साले ये क्या था, चल बता जल्दी से बता कि यार ये क्या है, एक सेकंड ये क्या हो गया, जल्दी बता ये तेरे घर के सामने क्या कर रहे हैं। एंड ये कह रहा है कि मुझे खुद नहीं पता, एंड भाई मुझे खुद नहीं पता, मैं तो टीम वगैरह छोड़ दिया, अभी मेरे पास तो गैंग वगैरह भी नहीं है। यार पूरा गद्दारी कर रहा है भाई, सुन ले। और ये कह रहा है कि देख अभी भी तेरे को भरोसा नहीं आ रहा है तो गोली मार ही दे, ठीक है चल। ऑल राइट गाइस, गेम खत्म है, ठीक है ट्रेवर का गेम आज खत्म कर देते। और ये कह रहा है कि हमने बहुत सारे अपने दुश्मन मतलब बचपन में बहुत कुछ किया है तो आज इसका तू मार ही दे मुझे। यार ये तो इमोशन कर रहा है यार, ये बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब ये बचपन की बातें निकाल रहे हैं, पुराने बातें। अब इसकी बहस क्या कौन मार रहा है, अरे 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 भाई साला की क्या था यार गाइस। अब ठीक है यार, ये कह रहा है कि चल अब नहीं मार रहे तो चल घर के अंदर चल, एंड तेरे कुछ गिफ्ट वगैरह करने, गिफ्ट वगैरह कर भाई, ये मेरे को लग रहा है कुछ ट्रैप वगैरह ही कर रहा है। बेटे बेटे अगर इस बार ही धोखा वगैरह दिया ना भाई, अब तो मेरे को नहीं लग रहा है कि धोखा वगैरह कर रहा है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि यार ये बोल रहा है टीम वगैरह छोड़ दिया है, एंड अभी दो बार मेरे पास चांस था इसको मारने का। एंड ठीक है यार, आई होप कि धोखा ना दे। एंड ये वाला मेंशन यार मैंने इसको गिफ्ट किया था, चलो। ओ ओ भाई व्हाट ऑडी, ये पता नहीं कौन कौन से कार है यहाँ पे, देख रहे हो, ओ शिट इतने ज़्यादा कार कलेक्शन कहाँ से आ गया इसके पास, मर्सिडीज वगैरह भाई साहब, सुपर कार भी है, स्पोर्ट्स कार भी है, एकदम बढ़िया। अब इससे बात करता हूँ, ये क्या कह रहा है गाइस, ये कह रहा है कि ये सारे के सारे अगर तुमको जो चाहिए इसमें से ले लो, मतलब मैं इतना भिखारी दिख रहा हूँ, मतलब मैं कार लूँगा बेटा, मेरा खुद का शोरूम है जो कि तेरे बॉस ने तेरे जला के गया। और ये कौन है लड़की, ओ शिट लड़की को भी रख दिया, काम वाली भाई है क्या गाइस, यार ड्राइवर ही है ना भाई, इतने ज़्यादा कार कलेक्शन। ये कह रहे हैं कि तुमको अगर मेंशन भी चाहिए तो मेंशन भी ले लो। और ये देखो यार इतना ज़्यादा पैसा, वैसे अपने से कम ही है बट फिर भी इस बंदे के पास, ये चिंदी छोर के पास, इसके पास कुछ भी नहीं था। ये हम ये कह रहे हैं कि अगर तेरे को चाहिए तो तू ले ले, अपने पास बहुत पैसा है भाई, फुगिरी मार रहा है बेटे, तू मिलियनेयर के सामने खड़ा है एंड देखो कैसा मुंह बना रहा है जैसे बहुत बड़ा अमीर हो गया है। कह रहा है कि अगर तेरे को चाहिए तो ले सकता है, अगर अपनी दोस्ती में बढ़ा रहा हूँ तेरे को पैसा देंगे, मतलब वाह कुछ भी, मतलब मेरे को पैसे देके दोस्ती वगैरह बढ़ाना चाहता है, दोस्ती का मतलब भरोसा जो होता है ना, ट्रस्ट बढ़ा रहा है। देख बेटा ये तूने जो भी पैसा कमाया है ना, ये तेरे गोस्ट मास ने तेरे को दिया है, ये तो मेरे को पता है, एंड ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है ना, हम अपना पैसा कमाएंगे खुद से, हमारे पास भी भाई शोरूम वगैरह है एंड बहुत कुछ, हम लोग आगे जाके बिजनेस वगैरह करने वाले, हम लोग थोड़ी ना ऐसे पद्दू वगैरह बैठे हैं, तो ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि यार ले ले यार, दोस्ती की खातिर ले ले भाई, दोस्ती गई भाड़ में, मेरे को तेरा कुछ करना ही नहीं, दोस्ती नहीं करनी ना दुश्मन बनाना है, तू अपनी ज़िंदगी जी एंड मैं भी अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, बस यार वो गोस्ट मास के टीम में मत जा, मेरा इतना ही उसको कहना है गाइस। यार मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसका, ठीक है ना यार, मैं फालतू का यार मतलब अब गरीब के घर में और आटा गीला करके क्या करेंगे, ठीक है ना, मतलब अपन ने इसको दिया था बट साले ने धोखा दे दिया, अब दोस्ती बनने का नाटक कर रहा है। यार मैं तो जा रहा हूँ मेरी कार मतलब जो है ना भाई GTR वगैरह जो भी चोरी गया था, एंड अरे तू भी आ रहा है, ये कह रहा है कि चल मैं तेरे को बताता हूँ वो वाली कार ना किधर है, क्या तेरे को कैसे पता, अरे शिट यार गाइस बहस किया यार, क्या ही करता है ड्राइवर यार, पीछे से पीछे देख रहा था मैं, कोई बात नहीं चल। ये कह रहा है कि जो तेरे GTR कार है ना उनका मेरे को लोकेशन पता है, भाई ये तेरे बंदे तो नहीं है ना यार, चलो फटाफट से चलते हैं और गाइस आगे जाके। ऑलराइट यार गाइस, मुझे ना अभी ड्राइवर ने ले आया एक लोकेशन पे, एंड ये कह रहा है कि तेरी जो GTR है ना, जो मॉडिफिकेशन करा हुए जो मेरी कार एक बंदा ले गया था, वो कह रहा है कि उनका जो इलाका है ना मतलब एरिया वगैरह वो यहाँ पर ही कहीं हो सकता है,
भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि इस बंदे को इतना कैसे पता है, मतलब यही एरिया है वगैरह वगैरह सब कुछ, एंड उसे ये भी पता है कि मैं मुसीबत में हूँ एंड ये आ गया मेरे को बचाने के लिए। चलो ठीक है यार भाई साहब, होगा उसे पता ये बंदा वैसे ये एरिया मतलब गरीब मतलब है ना, मतलब ये एरिया थोड़ा सा लोअर क्लास लग रहा है, तो मुझे लग रहा है उसको पहले पता होगा। एंड एक सेकंड कहाँ गया वो? चलो यार भाई कहाँ चला गया था, मैं तो मुझे लगा चला गया नहीं किस किस चीज़ की शॉप है भाई, यहाँ पे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है भाई। अरे ड्राइवर क्या कर रहा है, इधर तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड वहाँ पे कोई नज़र आ गया मुझे, एक सेकंड, ये कह रहे कि यहाँ पे कहीं होना चाहिए, अब मैं देखता हूँ यार एक सेकंड, और सामने मुझे ना कहीं कुछ दिख रहा है भाई। ये ड्राइवर का बच्चा ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग वगैरह लगा रहा है। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कुछ लोग है, एक सेकंड, ये वही लोग हैं, वही वाला मास्क पहना है इन लोग ने भी। ठीक है बेटे तुम लोग ही नजर हो। हाँ ड्राइवर ने गाइस एकदम ना सही वाली लोकेशन पे ले आया हमको, बस मेरे को अपनी जो मॉडिफिकेशन कराई हुई कार है ना वो दिख जाए बस यार। फिर यार यहाँ पे तो कार वगैरह कुछ नज़र आ नहीं रही, बट स्किप है इसकी आग, ये लोग बट वही लोग हैं, वही कपड़े हैं। अरे अरे साले ड्राइवर फाइट कर दिया तूने, अरे कार ले लिया था मैं इधर, फाइट थोड़ी करने आया हूँ। शेट यार अब ये ड्राइवर का बच्चा ना एकदम बेवकूफ़ है यार। गाइस चैट पे एक बार लिख दो यार, चैट पे एक बार लिख दो बेवकूफ़ लिख दो यार आप लोग, ड्राइवर बेवकूफ़ लिखना ऐसे लिखना यार गाइस, फिर मेरे को समझ आएगा तेरी वीडियो आज तक देख रहे हो सालों की औकात दिखा। तो चल बेटा निकल, चल निकल तू भी निकल, साला गोचू भाई के साथ तू छपरी पंटर्स। ये देखो कितने पीछे से मार रहा है, डरपोक कहीं का ड्राइवर, डरपोक यार एकदम डरपोक, हट रही है उस बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अकेले मार दूंगा मैं इन लोग को, तेरी हेल्प भी नहीं चाहिए थी। साला खुद आ गया चमचे में घी बनकर, मतलब हट्टी बनकर। ऑलराइट एक सेकंड बॉम्ब डालता हूँ, बॉम्ब यूज़ ही नहीं करते अपन लोग, निकलो सालो गोचू कहीं के लोबड़े कहीं के। अरे सबको मार दिया बिल्कुल एकदम, एक सेकंड पीछे से कोई गोली मार रहा है क्या? नहीं नहीं सामने से आ रही है वो, झाड़ में कोई लग रहा है मुझे, एक सेकंड झाड़ में से। अच्छा ये है क्या? शेट यार एक सेकंड इनको ना एक बार, यार यहाँ पर कोई एक जिंदा होता ना मैं साले को, कोई जिंदा लग नहीं रहा यार, इसको एक बार पूछता कि यार वो किस टीम का है, कहाँ से कौन फाइट कर रहे हैं, क्यों हमको परेशान कर रहे हैं। एक सेकंड यहाँ पे कोई भी जिंदा नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बस एक बंदा मिल जाए ना साला उनको पकड़ के साले को। एक सेकंड यहाँ पे कुछ आवाज़ वगैरह आ रही है मुझे, ओ शिट ये बंदा छुप के बैठा है। रुको 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 भाई, इसको मारेंगे नहीं, इसको नहीं मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, इसको टॉर्चर करेंगे, इससे मुंह खोलेंगे कि यार तेरे को किसने भेजा है मेरे पास और ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्या सीन था। साले रुक रुक इसको इतना मारता हूँ, एक सेकंड गए सारा गोली चलाएगा साले, चल निकल लोग कहेंगे। अब साले को इतनी पिटाई करता हूँ ना, इतनी पिटाई करूँगा इसकी। अरे देखो गोली मार रहे बेटे, जितना मारना है ना मार रहे, एंड फटाफट से इसको मारता हूँ एंड देखते हैं इसको गाइस इतना टॉर्चर वगैरह करेंगे, बहुत टॉर्चर वगैरह करेंगे एंड देखते हैं ये क्या मुझे बोलता है। तो ऑलराइट यार ये मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है एंड ये मेरे को भी लग रहा है ना कि बोलने वाला है। अब इसको मैंने बोल दिया, अब नहीं बोलेगा तो तेरी खोपड़ी मैं खाली कर दूंगा। तो एक सेकंड ये कुछ आई थिंक मेरे को लग रहा है ना बोलने वाला है, पता नहीं यार गाइस क्या बोलेगा अभी। तो गाइस बस यार इसको ना थोड़ा सा और वगैरह डराते हैं एंड देखते हैं, फिर उसको थोड़ा गन वगैरह पॉइंट करते हैं एंड देखते हैं कुछ पता नहीं बोलेगा कि नहीं। मुझे लग रहा है ये बोल देगा गाइस, क्योंकि इसकी बहुत फटी पड़ी है एंड ये बिल्कुल भी पहले डरपोक बंदा छुप के बैठा था वहाँ पर ही, आपने देखा होगा। एंड ये लग रहा है ना मेरे को बोल ही देगा अभी, थोड़ा सा इसको और डराते हैं गन पॉइंट करके। ड्राइवर यार थोड़ा सा इसको ना, ड्राइवर थोड़ा सा उसको गन पॉइंट पे रख यार एक बार, मेरे पास ना इसको झंडे से मारूंगा। अरे अरे ड्राइवर गोचू, अरे गन पॉइंट करनी थी। ये कह रहा है कि ये हमारा दुश्मन है इसको मार देते। अरे गोचू इंसान यार, ये ड्राइवर बेवकूफ़ है क्या, मतलब कितना क्रेजी है यार ये बंदा। यार इसके हम लोग वो बेचारा खोला होता ना तो यार ये कुछ ना कुछ निकला होता, ये किसके आदमी है, कौन है, कहाँ से आए वगैरह वगैरह, बट ये घोचू बंदा यार। और मेरी कार किधर है, तूने तो बोला था यहाँ पर ही मेरी कार वगैरह होगी, ये फालतू के लोग मरवा दिए मेरे से। शेट ये कह रहे हैं कि एक सेकंड आगे वगैरह जाके देखो यार, तू घोचू है एकदम भर का यार। ये ड्राइवर का बच्चा ना बिल्कुल ही पागल है, अब क्या ही बोलूँ, देख रहे कितने क्रेजी उसको बोला है मैंने गन पॉइंट पे रखने के लिए, बट भाई साहब इन्होंने तो गोली चलवा दी उसको यार। इधर कार वगैरह तो कुछ भी नहीं यार। शेट
ये कह रहा है कि रुक जा अभी मैं ढूंढता हूँ तेरी कार को, टेंशन मत ले। एंड अभी तेरी कार यहाँ पे होनी चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है? एक सेकंड, इसके पीछे कुछ येलो येलो नज़र आ रहा है यार। ये पता नहीं गाइस यहाँ पर स्टील का कुछ टीन वगैरह है ना। ये कह रहा है कि इसके पीछे कार है तेरी, बट तुझे कैसे पता? ये कह रहा है कि मैंने देख लिया था। ओह शिट, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है गाइस। ये देखो भैंस की आग, ये देखो हमारी GTR यहाँ पर है गाइस। मॉडिफिकेशन करवाई, इतनी खतरनाक वाली है ना ये, एकदम बढ़िया। इससे हम लोग एक आध दिन रेस करेंगे फ्रैंकलिन वगैरह से। यार आप लोग बोलते हो तो करेंगे। एंड चलो इसको फटाफट से, यार ये टीन किस चीज़ का बना है? अरे बिल्कुल ही पैक करके रखा है मेरे कार को, देख रहे हो? ये ट्रेवर ने किया है लग रहा है, मुझे ना लग रहा है ये ट्रेवर वगैरह ने किया है। चल गाइस अब तो गाइस रास्ता साफ है और अरे ट्रेवर, सॉरी ट्रेवर, अरे यार तू हटना चाहिए था ना भाई। बेचारा अच्छा वो मर नहीं गया, वैसे मर भी जाता किसी को पता भी चलता, इतने कोपचे में ले आया हूँ इसको मैं। ऑलराइट, अरे सॉरी यार थोड़ा सा ना भाई एक्सेलेरेटर दबा दिया था, आगे गाड़ी चलेगी, कोई बात नहीं। चल बैठ जा फटाफट से भाई। अब ड्राइवर का क्या ही कर यार, इसको मैं घर पे छोड़ दूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको। बोलता कि तू चला जा भाई, मेरे को बहुत काम करना है अपने को आज भाई। गोश्त मास से कुछ करना है, उसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह करना है, बहुत कुछ करना है। और तेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी, चल चला जा फटाफट से उधर ना। ये कह रहे हैं कि यार गाड़ी को छोड़ो यार, बहुत पैसा है अपने पास, अभी पार्टी वगैरह करते हैं। अरे यार गाइस ये तो भाई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई, बिल्कुल एकदम चिपको की तरह चिपक गया ये स्टार्टिंग से ही। ये कह रहे हैं कि थोड़ी पार्टी वगैरह करते हैं वगैरह, बला 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 पता नहीं यार। कह रहे हैं कि चलो तो मैं मेरी तरफ से पार्टी वगैरह करवाता हूँ भाई साहब, पार्टी करवा रहा है। ठीक है यार गाइस चलो फटाफट से ना लोकेशन वगैरह फिर चलते हैं। ऑल राइट यार गाइस ये ना हम लोग को पार्टी वगैरह पे एरिया पे ले आया। यार ये बनता खैर क्या रहा है, ट्रेवर का बच्चा भाई, मुझे गोस्ट मास का गेम ख़त्म करना है। और ये बंदा अपने शोरूम वगैरह उड़ा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये हमारे साथ टाइम पास वगैरह कर रहा हूँ और वहाँ पे गोस्ट मास अपने सारे के सारे शोरूम वगैरह जो भी घर वगैरह सब कुछ उड़वा दे। वैसे मेरे पास हैकर गर्ल को मैंने सब कुछ दे दिया इन्फॉर्मेशन, बट वो मुझे तो अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है। बट अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, हमने वो सब कुछ बात वगैरह कर ली है प्रेसिडेंट वगैरह से। एंड वो मुझे कह रहा था कि टेंशन मत लें, सब कुछ मैं ना प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व वगैरह कर दूंगा। तो चलो यार अभी ना पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अभी फटाफट से जाते हैं अंदर और देखते हैं। यार ये मेरे को कह रहा है कि पार्टी वगैरह करते हैं। एंड फालतू का मुझे ना डाउट आ रहा है कि ड्राइवर का बच्चा ना अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया भाई। ठीक है यार अब चलो थोड़ा थोड़ा सा ना गाइस पार्टी वगैरह करते हैं इसके साथ, और कह रहे हैं कि थोड़ा अच्छा वाला टाइम स्पेंड करते हैं। एंड बढ़िया के दोस्त बनते हैं और अपनी जो फ्रेंडशिप वगैरह है ना भाई, वो दोस्ती वगैरह एकदम मतलब पुराने यादें ताज़े करते हैं गाइस। जैसे ये पहले करता था ना भाई, एक और पी लिया माइकल ने बिल्कुल ही। और ट्रेवर कह रहा है कि एक और पी लो, ठीक है यार चल एक और ऑर्डर कर देते हो। एंड ये भी पी रहा है एंड मैं भी पी लेता हूँ। और ये कह रहा है कि पहले तो हम 10-10 पीते थे भाई, ठीक है यार। अब ये कह रहा है कि एक और, चलो यार गाइस इतना तो भाई लग रहा है ना भाई, ज़्यादा ही गाइस माइकल ज़्यादा ही चढ़ चुकी, अभी तो चक्कर आ रहे हैं माइकल भाई, अब बस नहीं यार ज़्यादा एक और। वो शिट लग रहा है ना अब माइकल को आ रहा है चक्कर भाई, हो चुकी है भाई माइकल को भी आ रहा है चक्कर यार। अब पता नहीं गाड़ी वगैरह चला पाएगा कि नहीं भाई, ठीक से चल जाए बस गाड़ी वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। अरे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाने का अपने को, बस अपने को बस ड्रिंक वगैरह करनी थी। ड्राइवर कह रहा है कि चलो उधर भी चलते हैं भाई, उधर जाके क्या करेंगे। चलो ठीक है इतना ही करना है, और मैंने बोल दिया भाई टाइम नहीं उधर जाने का। और चलो भाई देख रहे हो भाई दोनों ने फुल पी रखी है और भाई पार्टी वगैरह करके ना भाई क्या ही चल रहा है। ऑल राइट गाइस ठीक है यार फटाफट से अब क्या ही करें। अब ड्राइवर को बोलता हूँ तू चला जा भाई यहाँ से ही, अब इसको छोड़ना तो पड़ेगा। कह रहा है कि यार मेरे को घर तक तो छोड़ दे, अभी मैं इधर क्या करूँगा भाई, तेरे को तो आदत है ना। ठीक है यार अब इतना तो कर ही सकते, अब इतने अच्छे वाले फ्रेंड बन ही गए तो ठीक है यार इसको घर ही छोड़ देता हूँ। अभी पता नहीं यार ड्राइविंग वगैरह होगी कि नहीं यार, मैं तो अपनी सिक्योरिटी वगैरह को बुला दूँ क्या? नहीं छोड़ो यार अब कहाँ ही बुलाते, इतनी छोटी बात के लिए कहाँ सिक्योरिटी वगैरह को बुलाएंगे। और फटाफट से चलो यार कार वगैरह में बैठते हैं
एंड भाई लोकेशन वगैरह इसका जो घर है ना, अपन जो थोड़ी देर पहले गए थे, अभी फटाफट से वहाँ पर इसको मैं छोड़ दूंगा। एंड पता नहीं यार गाइस, और मुझे अभी लेस्टर वगैरह के पास भी जाना है, एंड उससे कुछ लेता हूँ, वो बहुत बड़ा वाला मास्टरमाइंड है ना, एंड समझ रहे, तो वही मुझे कुछ सॉल्यूशन वगैरह देगा। और शिट एक्सीडेंट हो गया गाइस, फालतू का ना देख रहे हो, इसलिए मैंने बोला था यार ज़्यादा नहीं कर लेगा, अब क्या ही करें। ठीक है यार चलता है गाइस, थोड़ी वगैरह पी लिए एंड पार्टी वगैरह ज़्यादा होगी। ओ शिट गाइस, ज़्यादा ही पी ली माइकल ने, एक्सीडेंट हो गया यार फालतू का। ओ शिट, वहाँ के लोग लोकल लोग आ चुके हैं मारने के लिए। अरे यार, अरे थोड़ी सी पीली चचा चले जाओ यहाँ से। अरे तुम वो छुआ तो लेना भाई, ये कह रहा है कि तू इधर दारू की गाड़ी कल चला रहा है साले, चल निकल। और इनके पास गन वगैरह भी यार, ये वेगस गैंग के लग रहे हैं मुझे तो। हाँ इसलिए तो ज़्यादा हीरो बनती कर रहे हैं साले, चल निकल। माइकल ने एक बार पार्टी वगैरह कर दिया ना, और ताकतवर हो जाता है, इनको पता नहीं है। चलो ठीक है, ऑल राइट गाइस, साले देख रहे हो पूरे के पूरे गैंग वगैरह आ गए अचानक से। भाई हम तो मस्त जा रहे थे, बस थोड़ा वोटा एक्सीडेंट हो गया, अब उतना तो चलता है यार, अब इनका कोई नुकसान तो हुआ नहीं। ठीक है यार कोई बात नहीं, छोटा मोटा यार गाइस ज़्यादा ही, चार पांच लोग मर गए माइकल के हाथ से। और ये तो सो गया भाई, ये इसको तो घोड़े बेच के ना, ये बिल्कुल ही सो गए हैं। अब चलो इसको फटाफट से मैं घर वगैरह छोड़ देता हूँ एंड अपन अपने गाइस काम से निकलते हैं। और ये देखो ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना मैंने ड्राइवर वगैरह को छोड़ दिया उसके घर पर, और यार मैंने वो काला सीन कट कर दिया। एंड यहाँ पर अपने वाले मेंशन पे मैं आ चुका हूं, मैंने आप लोग को बोला था कि यार आप लोग ना मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना। एंड वहाँ पर जितने भी लोगों ने मेरे को फॉलो किया है, मैसेज वगैरह किया है, एंड वो लोग अपने 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 ना फोटो वगैरह सेंड करो, तो यार आपके बोलने पे ना मैंने सारे के सारे वो फ़ोटो वगैरह उधर लगवा दिए। तो यार अभी देखते हैं अभी कितने लोगों ने, वैसे ज़्यादा लोगों ने तो मेरे को फ़ोटो वगैरह सेंड नहीं किया है, बट चलो यार अभी अगर आपको फ़ोटो वगैरह लगवाने हैं ना इस वाले मेंशन में या कौन से वाले मेंशन में, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, और मेरे को एक बढ़िया सा फ़ोटो वगैरह सेंड कर दो एंड मैं जहाँ बोलो वहाँ लगवा देंगे। ठीक है ना, तो चलो अभी जिस जिसके लगवा लिया हूँ, जिसने मैसेज कर दिया है उनका कर दिया, जिसका लेट आया तो उसका आई थिंक नहीं आया होगा, बट ठीक है जिसका आ गया भाई एक बार चेक कर रहे थे। और लिफ्ट में इधर से जाते हैं ऊपर, ऑल राइट यार गाइस इधर ना हम लोग आ चुके हैं। तो और ये देखो रहे हमारी पहली फ़ोटो है, तो ये हमारा सब्सक्राइबर है एंड इन लोग ने भी हमारी फॉलो करके ना इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो वगैरह कर दिया था। यार आपने भी नहीं किया तो कर देना, तो यार इस भाई ने फॉलो किया है तो यार आप लोग भी नहीं कर रहे हो क्या, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपनी फ़ोटो वगैरह सेंड करो। और यहाँ पे ना यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस, बढ़िया सी फ़ोटो लगी है एंड यहाँ पे टिक्का लगा देते हैं, नज़र ना लग जाए तो थोड़ा सा ना गाइस। चलो यहाँ पे क्या कहते हैं गाइस, काला टिक्का लगा देते गाइस वरना नज़र वगैरह लग जाती है ना। और यहाँ पे हमारा और एक सब्सक्राइबर है, ये देख रहे हो गाइस कुछ ज़्यादा ही गाइस खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन के भाई है, बट चलो यार इनको भी एक काला टिक्का लगा देते हैं थोड़ी नज़र वगैरह ना लग जाए। और ये तो गाइस ट्रेवर का ही भाई लग रहा है मुझे तो, चलो इनको भी एक टिक्का वगैरह लगवा देते हैं। और ठीक है यार चलो गाइस इनको भी लगवा दिया है, एक और फ़ोटो है दो तीन है, और ये ठीक है गाइस इनका भी फ़ोटो है, इन्होंने भी हमको सेंड किया था जो कि अच्छी बात है। चलो यार गाइस ये भी ना हैकर गर्ल की तरह ही लग रहे हैं हमको, जो हमारी हैकर गर्ल है ना वही लग रहे हैं। और एक लास्ट फोटो है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस, तो ये ख़तरनाक वाले भाई हमारे, तो इनको चलो यार ठीक है इनको भी गाइस इनका भी फ़ोटो हमने लगवा दिया है। अगर आपको भी ऐसा फ़ोटो वगैरह लगवाना है ना तो लगवा देते, तो यार इनको भी टीका वगैरह लगवा दे, इनको भी नज़र वगैरह ना लग जाए, बट ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी लगा दिया है। तो चलो यार बढ़िया वगैरह तो लग चुके हैं फ़ोटो वगैरह एकदम ही ना बढ़िया वाले, तो यार इतने ही लोग ने ना फ़ोटो वगैरह मुझे सेंड किया था, अगर आपको भी लगवाना है ना तो मुझे ज़रूर सेंड वगैरह ज़रूर कर देना, और ऐसे ही आपके फ़ोटोज़ वगैरह मेंशन पे लग जाएंगे, कार्स वगैरह एंड बहुत जगह। तो चलो अब अपना काम है गाइस, मैंने अभी जो प्रेसिडेंट से बात की थी, आपको पता है प्रेसिडेंट अपना बहुत अच्छा वाला फ्रेंड है, तो उसने मुझे बोला है कि माइकल तू टेंशन मत ले, तेरे लिए ना भाई बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम मैं रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरी बहुत बार वाली मतलब हर बार मेरी जान बचाई है, तो तेरे लिए मैं इतना कर सकता हूँ। तो यार अब ना मेरे को वाइस कुछ नहीं करना है, बस मेरे को जाना है एयर डिफेंस लेने के लिए मिलिट्री बेस में, और कर्नल भी अपना अच्छा खासा दोस्त बन चुका है, और ये वाले बेस मतलब यहाँ पर भी लगवा देंगे, और जितने भी अपने घर है ना हर जगह दो तीन तीन लोग वगैरह लगवा देंगे एयर डिफेंस, बहुत बढ़िया समझ रहे हो एकदम ही बढ़िया। और गाइस जिससे ना अभी अपना शोरूम भी उड़ चुका है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। एंड वहाँ पे ये लोग अभी भी ना, ये पुलिस वाले अभी भी यार सुराग वगैरह ढूंढ रहे हैं किसने अटैक किया है। इन छपरियों को पता ही नहीं कि यार गाइस भाई गोस्ट मास ने अटैक किया, बट होता है ना ये पुलिस वाले थोड़ा मतलब स्लो ही काम करते हैं। अब क्या करें यार, ठीक है अपना काम अपन खुद करेंगे, कि पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे ना तो भाई एक साल लग जाएगा इनको ढूंढने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा का सारा काम हम खुद करेंगे। और गाइस फटाफट से चलते हैं मिलिट्री बेस में और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना भाई साहब मैं आ चुका हूँ। भाई रास्ते में से जा रहा था, सोचा यार अपने शोरूम को जाके चेक कर लूँ, यानी इनको पूछूँ यार अपनी जो आगे की कार्रवाई है ना भाई साहब कहाँ तक आई है, एंड भाई साहब कब तक ये लोग एक्शन लेंगे पुलिस वाले। मुझे तो लग नहीं रहा ये लोग एक्शन वगैरह कुछ लेंगे। एंड चलो यार फटाफट से ना इनका जो भी ये है ना गाइस ऑफिसर वगैरह DSP साहब उनसे बातचीत वगैरह करते हैं, और यहाँ पर कुछ न्यूज़ वगैरह आए फोटो वगैरह। चलो यार अभी ये लोग न्यूज़ वगैरह में डालेंगे एंड पता नहीं गाइस बढ़िया बढ़िया पता नहीं क्या बोलेंगे, किसने तो किया है भाई जो भी किया ना। वैसे ये गोस्ट मास्क नहीं किया है मुझे पक्का पता है, 100% श्योर पता है, कोई बात नहीं। बट यार ये अब पुलिस वालों का काम है ना, ये लोग सिर्फ सबूत पे विश्वास रखते हैं, बट यहाँ पे कैमरा वगैरह तो होना चाहिए। अभी यहाँ पर मेरा शोरूम तो तबाह हो गया, अभी सारे कैमरे उसमें थे आई थिंक। अब इधर आसपास ना कोई घर वगैरह भी नहीं जहाँ पे मतलब शॉप्स वगैरह भी नहीं जहाँ पे ना वीडियो वगैरह हम लोग देख सकें। एंड ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, चलो इससे पूछता हूँ एंड कहता हूँ कि यार कहाँ तक आया। सो भाई ये कह रहे हैं कि यार देखो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम लोग अभी ना बाद में आपको बोलेंगे, एंड चल रहे हैं सब कुछ। यार मुझे पता था इनसे कोई उम्मीद वगैरह नहीं थी, एंड ये फालतू के ऐसे पुलिस वगैरह हैं। एक बार प्रेसिडेंट बन जाऊँ ना भाई, सबसे पहले इसी को सस्पेंड करूँगा और इसको रोड पे ला के ना इसको यहाँ पर ही छोड़ दूँगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक बार प्रेसिडेंट बन जाऊँ ना, बस इनको दिखाता हूँ ये करप्ट ऑफिसर पुलिस वाले हैं ना, इनको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो यार अपने कितनी रेयर वाली कार भाई साहब दब के ना चूरा हो चुकी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने दो गाइस एक बार ना, बस हमको यार गोस्ट मास्क का गेम ओवर कर दे फिर गाइस पता चल जाएगा। एंड ये देखो रो इतने सारे कार्स वगैरह इन्होंने अभी तक उठाया भी नहीं है उसको, ठीक है यार कोई बात नहीं, फटाफट से अभी आगे को चलना है अभी डायरेक्ट मिलिट्री बेस पर। और यार मिलिट्री बेस वाले ना उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, कह रहे कि अपने ना फटाफट से जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना भाई वो आकर ले लो एंड वो सब कुछ रेडी वगैरह। अभी यार सोचा रास्ते से जा रहा था तो इनसे ना भाई एक बार पूछ लो यार कहाँ तक आया है काम, कहाँ तक नहीं आया है। सो कोई बात नहीं अभी आगे जाके ना पता चलेगा, एंड फटाफट से चलो आपकी लोकेशन की ओर निकलते। ऑल राइट यार फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस पर, और यहाँ पर ना अब डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है। और गाइस मुझे लग रहा है अभी अपने को जितने भी सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम है ना भाई वो अलग अलग मेंशन पे लगवानी चाहिए, अभी पता नहीं कितने देर है। अभी अपना जो भी गाइस दुश्मन वगैरह है ना वो कोई भी अपने मेंशन पे अटैक वगैरह कर सकता है, समझ रहे हो भाई, कौन से भी मेंशन पे, प्ले पे मेंशन हो गया अपने ना, RSVPG हो गया, और जो पर अपनी जीमी और एमेंडा रहती है ना भाई वहाँ पर भी लगा नहीं है, और बहुत जगह समझ रहे हो अपना का सीक्रेट बनकर वहाँ पर भी लगवाना है। और वैसे अपना जो मेली भी मेंशन है भाई वहाँ पर तो ऑलरेडी रखा है, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है ना इसने रेडी कर दिया अभी, कितने पता नहीं इस एक बार चेक कर लूँ भाई साहब, बढ़िया लग रहे हैं सारे ना, एक रिम वाले रिम 16 भी ज़्यादा है एंड CIW वाले 3 है। चलो वैसे 6 तो काम आ जाएंगे, ओके यार RM C16 6 दिया है इसने, ऑल राइट बाकी सब कुछ बढ़िया है। और इसके साथ ये भी दे रहा है क्या, नहीं मेरे को नहीं लग रहा ये भी मिलेगा। चलो यार ये आर्मी वालों का हो सकता है, एंड अपने को सिर्फ ना एयर डिफेंस सिस्टम लेना है यार, फालतू गिरी नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हो इतने ज़्यादा गाइस जेट्स वगैरह भी है, बट चलो छोड़ो यार अपने को तो गाइस एयर डिफेंस सिस्टम मतलब है। और यहाँ पर कर्नल वगैरह किधर नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक सामने कहीं होना चाहिए। चलो ठीक है एक सेकंड यहाँ पर ही गया, और यहाँ पर ना जूनियर जनरल भी है एंड दोनों सीनियर भी है, और इनसे फटाफट से बातचीत वगैरह करते हैं और पता नहीं गाइस ये क्या कह रहे हैं, और इनसे बातचीत वगैरह कर देते हैं और निकलते हैं। ऑल राइट गाइस इनसे बातचीत वगैरह हो चुकी है, एंड इन लोग ने ना फटाफट से इनको जो आर्मी ऑफिसर के बंदे हैं वो भी बुलवा लिए जो अपने घर तक पहुँचाएंगे। और इसने बता दिया कि यार ये बहुत महंगे मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगे, बट तुम प्रेसिडेंट के फ्रेंड हो, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है इसलिए ना हम तुमको दे रहे हैं, वरना हम दे नहीं सकते। तो यार आपको पता है पिछली बारी हमने ना यहाँ से ही चोरी वगैरह किए थे, बट इन्हें पता नहीं कि हमने चोरी वगैरह किए थे, बट चलो ठीक है यार अभी ना आप लोग को पता है प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है तो यार थोड़ा सा ना गाइस अपने को बेनिफिट हो रहा है, और हमने भी उसकी जान बचाई थी, और ये भी अपने को ना एक बढ़िया सा गिफ्ट ही समझ लो। और ठीक है यार गाइस ये देख रहे हो बढ़िया है गाइस, ये भी बढ़िया है एंड ये भी बढ़िया, अपन लोग अभी टोटल अपने पास
बढ़िया हो चुके हैं अभी सारे, हर एक मेंशन पे अपन लोग जितने भी लग सकते हैं, जितने भी नेसेसरी है भाई सब कुछ लगवा देंगे। और ये भी ना, अपने को प्ले में मेंशन पे अपने को 3 चाहिए, समझ रहे, क्योंकि बहुत बड़ा वाला मेंशन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो 3 है ना भाई प्ले में मेंशन पे लगवा दूँ, एंड बाकी के जो है वो अपने RSVPG वहाँ पर लगवा दूँ, एंड सीक्रेट बनकर तो मुझे नहीं लगता है कोई जानता है तो वहाँ पर लगवाने की कोई ज़रूरत है। एंड जहाँ पर जी बी अम्बंडा रहता है ना, मतलब वहाँ पर 2-3 लगवा देंगे, ठीक है यार। और क्या गाइस, बाकी तो आगे जाके देखेंगे, अगर लगता है तो वहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है यार। अभी इनका भी वेट करते हैं, जो आर्मी वाले बंदे ना अपने जो एड्रेस तक आने वाले। ऑलराइट, ये लोग भी आ चुके हैं और इनको फटाफट से मैं एड्रेस वगैरह बता देता हूँ, एंड ये लोग खुद ना भाई पहुँचा देंगे और अपन लोग भी जाके खुद प्ले बाय मेंशन पर ले जाएंगे। एंड इनको बोल देता हूँ कि यार फटाफट से लोकेशन की ओर पहुँचा दो, जो भी लोकेशन है अपने जो घर के मेंशन वगैरह है ना, तो भाई तुम लोग फटाफट से निकलो और मैं ये वाला लेके निकलता हूँ प्ले में मेंशन पर, ठीक है। तो चलो यार, इनको बता दिया है और ये लोग खुद लेके चले जाएंगे। चलो फटाफट से निकलो यार, टाइम पास मत करो, वरना कभी भी हमारे घर पे अटैक वगैरह हो सकता है, समझ लो। क्योंकि पहले ही अपना शोरूम वगैरह भी उड़वा दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि यार अपना घर वगैरह फिर से उड़े। और पहले यार इतना गंदा वाला ब्लास्ट किया है उसने, गोस्ट मास ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वो लोग भी जा रहे हैं, एंड फटाफट से मैं आगे निकल जाता हूँ, वरना यार फालतू गिरी हो जाएंगी। एंड पहले ऐसे टाइम पास बहुत ज़्यादा ही कर दिया ट्रेवर के साथ, क्या ही बोले यार, ट्रेवर ने अपना ज़्यादा ही टाइम पास कर लिया है। अब गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब अपने पास आ चुका है एयर डिफेंस सिस्टम और मुझे अब लेस्टर की मदद चाहिए और एक मास्टरमाइंड है ख़तरनाक वाला, गाइस समझ लो। उसकी लोकेशन वगैरह निकालेंगे, एंड वो बंदा जहाँ भी छुप के बैठा है ना भाई, जिधर भी बैठा उस साले को बाहर निकालेंगे और उसको उसकी औकात दिखा देंगे। और जिसने जैसे उसने अपना शोरूम ब्लास्ट किया ना, अब उसका भी हर एक मेंशन वगैरह हम लोग ब्लास्ट करेंगे, बस उसकी लोकेशन एक बार हमें मिल जाए बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो ट्रेवर भी उसके टीम से निकल चुका है, तो अभी ट्रेवर से पूछेंगे उसके सीक्रेट वगैरह जो भी है, पता नहीं है ट्रेवर बताएगा कि नहीं, बट चलता है गाइस, ठीक है ना। अभी सब कुछ उससे उगलवाएंगे एंड फिर आगे जाके पता चलेगा अभी कोस्ट मास का क्या होने वाला है, बट पहले अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए गाइस मैंने एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगवा लिया है। सो ठीक है यार, अभी फटाफट से गाइस निकलते हैं डायरेक्ट अपने प्ले बाय मेंशन पे और वहाँ पर ना। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना भाई मैं आ चुका था प्ले बाय मेंशन पर, और यहाँ पर देख रहे हो एकदम अपनी बढ़िया वाली ना NLG सिक्योरिटी वगैरह लगवा के रखी है, जो कि एकदम बढ़िया है। ऑल राइट, ठीक है, फटाफट से इधर से जाएगा क्या? मेरे को नहीं लग रहा इधर से जाने वाला है गाइस, एक सेकंड बढ़िया सा टर्न मार दो, नहीं जाने वाला है गाइस, आई थिंक मेरे को उधर से जाना चाहिए था। चलो एक सेकंड, वो टायर के नीचे आ गए, कोई बात नहीं, बच गया भाई। इधर से ना गाड़ी आगे नहीं जा रही है, एक काम करता हूँ उसको डिटैच करता हूँ एंड थोड़ा सा आगे लेके ना, चलो उसको थोड़ा डिटैच कर दिया है, अब थोड़ा सा पीछे लेके ना, एंड फिर ज़ोर से गाइस गाड़ी भगाएंगे, फिर थोड़ा सा गाड़ी आगे जाएगी। एक सेकेंड, अब हो चुका है अटैच, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ एंड ठीक है निकल चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब देखना होगा कि हमें जो ये है ना एयर डिफेंस भाई लगवाना कहाँ पर है, समझ रहे, क्योंकि अभी तो ये बहुत बड़ा वाला मेंशन है और अपने पास सिर्फ 3 ही है। वैसे एक से ही काम हो जाएंगे अपना, बट 3 भी ना अपने को चाहिएगा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही गंदा वाला एयर स्ट्राइक करता है वो बंदा, आपको पता है बहुत ज़्यादा ही। अब तो यार गाइस डरने वाली कोई बात नहीं, वैसे भी गाइस जो आर्मी के बंदे वो सब कुछ ना पूरे लॉस एंजेलस में चेक कर रहे हैं कौन क्या उड़ा रहा है एंड कौन क्या क्या कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं अभी जेट वगैरह से कोई अटैक वगैरह होगा कुछ दिनों तक, बट मुझे तो बोल दिया है। बट फिर भी गाइस अगर वो हेलीकॉप्टर वगैरह से कोई अटैक वगैरह करता है ना, तो फिर तो बात ही ख़त्म है गाइस, गेम ही ओवर है, क्योंकि जेट को थोड़ा मारना मुश्किल है, बट हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं ना भाई उनको मारना कुछ सेकंड का काम है एयर डिफेंस सिस्टम में, बस वो एक बार मेरे पर अटैक कर देना फिर आएगा मज़ा। और एक सेकंड, एक काम करते हैं बीच में लगा देते हैं, एक बीच में ना मेरे को लग रहा है इधर एक जो बीच में सामने दिख रहा है ना वहाँ पर लगवा देंगे, एंड एक इधर एंड एक लेफ्ट में लगवा देंगे, और पीछे का बहुत बड़ा एरिया बट हाई लेवल पे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ठीक है यार, अभी फटाफट से ना गाइस चलते हैं और लगा देते हैं, आपको वहीं पे मिलते हैं। ऑलराइट यार गाइस, अभी ना हम लोग ने सारा का सारा गाइस एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगवा दिया है, जैसे मैंने आपको बोला, देखो गाइस एकदम बढ़िया तरीके से लग चुका है और एक्टिव भी हमने उसको कर दिया है, और बस इंतज़ार है गाइस अपना एनिमी कब इस पे अटैक करे और गाइस हम लोग उसको हवा में गाइस फोड़ देंगे, और उसका मिसाइल वगैरह और उसका खुद रॉकेट वगैरह जो भी जेट प्लेन है ना
भाई खुद उसका फोड़ देंगे और उसका गेम ही ओवर कर देंगे। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो अटैक करेगा एंड कब नहीं। तो यार यहाँ पर एक और ये पूरा राइट का एरिया संभाल लेगा एंड ये सेंटर का एंड वहाँ का जो एरिया है ना ग्राउंड वाला वो संभाल लेगा। तो गाइस तीन इधर लग चुके हैं, सक्सेसफुली लग चुके हैं। बस अब इंतज़ार है, मुझे नहीं लगता वो अटैक वगैरह करेगा। अब तो बिल्कुल ही उसके हट के हाथ में आ चुकी है, बस एक बार अटैक कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका भी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस लेस्टर के पास जाता हूँ एंड या खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। अगर लेस्टर, एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है भाई। मुझे ना कॉल आ रही है एनएसजी के बंदों की एंड जहाँ पे जीबी और एम्बेंडर रहती है ना भाई, वहाँ पे हो चुका है अटैक। भाई ये क्या बोल रहा है गाइस, वहाँ पे हो चुका है अटैक यार। फटाफट से मेरे को निकलना होगा यार, एनएसजी वालों को बोलता हूँ यार फटाफट से ना अपने जितने बंदे सब कुछ रेडी रखो एंड वहाँ पे निकलते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है। बोल रहे हैं कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुके हैं, बहुत कुछ हो गया और वहाँ पे अपनी एयर स्ट्राइक अभी तो लगाना ही शुरू हुई थी, बट आधे अपने एयर डिफेंस सिस्टम लग चुके हैं वहाँ पर एंड आधे जो है ना वो ज़मीन पे ही है, मतलब ठीक तरीके से लगे भी नहीं है। लोग बीच में अटैक कर दिया है वहाँ पर, तो अपनी जो फैमिली है ना अमेंडा जीवी और ट्रेसी वो भी घर के अंदर ही है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अपने घर को उड़ाने की कोशिश कर रहा है ये गोस्ट मास्क वाला बंदा, बट कोई बात नहीं है, फटाफट से मुझे निकलना होगा। और गाइस ये घर टूट जाएगा, बट जो जीमी एमंड है ना भाई वो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पर अपने एनएसजी की कमांडो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड मैंने वहाँ पे लगा रखे थे, मुझे लगता नहीं वो बचा लेंगे। तो चलो फटाफट से वहाँ पे निकलते हैं। और गाइस अरे अरे भाई सामने आ गया, टायर के नीचे आ गया ये तो। अरे यार देख के गाड़ी चलाना, चलो यार फटाफट से ना भाई चलते हैं और आपको लोकेशन की ओर ही मिलता। ऑल राइट यार गाइस, फाइनली ना भाई साहब मैं आ चुका हूँ यार अपने पुराने वाले घर पर, जो अपना पहला वाला घर है ना, और यहाँ पर एयर स्ट्राइक शुरू हो चुका है। और मुझे बोला गया है कि आपने जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है ना वो लगा दिए थे आधे एंड आधे कुछ लगाना बाकी है, बट फिर भी ना गाइस अपने जो एयर स्ट्राइक है देखो वहाँ से रॉकेट वगैरह निकल रहे, कुछ काम चल रहा है, फिर भी ना भाई सिचुएशन कंट्रोल में। एंड जो आधे नीचे थे ना भाई वो भी चालू हो गए, मतलब समझ रहे हो भाई, लगे भी नहीं अपने, फिर भी मतलब अभी अभी लाया हम लोग वहाँ पर, देख रहे हो भाई कितने खतरनाक वाले ना अटैक वगैरह शुरू हो चुका है वहाँ पे। देखो हेलीकॉप्टर वगैरह आ चुका है। और गाइस ये देखो गाइस, एक सेकंड ये देखो भाई, डायरेक्ट ना भाई साहब अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम भाई सब कुछ ये देखो अभी लगे भी नहीं है, अभी डायरेक्ट ही अटैक वगैरह हो गया। इनको पता ही नहीं कि यहाँ पर अटैक वगैरह हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो हेलीकॉप्टर में से बंदे भी निकल रहे हैं फैस किया, ये गोस्ट मास्क के बंदे यहाँ पर, मुझे पता तो चल गया गाइस। और यहाँ पर गाइस देख रहे हो पूरा के पूरा हेलीकॉप्टर वगैरह है और ये अभी तो फिट भी नहीं हुआ है, देख रहे हो नीचे से इसने एक्टिवेट कर दिया हमने इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऊपर गाइस मिसाइल देख रहे हो क्या ही निकल रहा है, ओह शिट बहुत ही खतरनाक वाला गाइस एयर डिफेंस सिस्टम लग चुका है। अभी तो हमने अभी ठीक तरीके से इसको लगाया भी नहीं है, बट जब लग जाएगा ना और भी खतरनाक हो जाएगा। वहाँ पर देख रहे हो ओह शिट गलती से यहाँ पर ही, और ये देख रहे हो इसकी बहस किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर में घुस रहे हैं हमारे भाई। ये गोस्ट मास वाला बंदा है ना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो रहा है एंड इसका कैसे भी करके गेम ओवर करना होगा, बहुत हो चुका है इस बंदे का। अब तो अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लग चुका है, अब तो कोई अपने को टेंशन नहीं है, बस मुझे अब कोई मास्टर माइंड वाला बंदा चाहिए, लेस्टर वगैरह, या अपने कुछ से कुछ प्लान वगैरह करना होगा। लेट्स को अभी इनका गेम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ऊपर देखो यार क्या ही मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ओ शिट अब ना इनकी फट चुकी है, अब मुझे नहीं लगता ये अटैक वगैरह कर पाएंगे। ओह देख रहे हो ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम का पावर, अभी इसको भी मैं खुद मार देता हूँ, अभी बहुत सारे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा है एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको मैं खुद ही मार दूंगा। अभी तो फिट नहीं किया है तो थोड़ा सा गाइस प्रॉब्लम हो रहा है एंड एंगल वगैरह सब कुछ फिट करना होता है, बट अभी ना कैसे भी लगवा दिया, मतलब फिट भी नहीं हो रहे थे। ओह शिट वो देख रहे हो मिसाइल वगैरह डाल रहे हैं भाई साहब, निकलना होगा मुझे। ओह शिट 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 मिसाइल वगैरह डाल रहे हैं, ओह ये देख रहे हो गोली वगैरह भी चल रही है एंड ऊपर ना बिल्कुल दिवाली बन रही है, देख रहे हो कितने ज़्यादा ये रॉकेट वगैरह फूट रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये गोस्ट मास अब कितना भी ट्राई कर ले बेटा, जितना भी एयर स्ट्राइक वगैरह करना है कर ले, अब तेरा गेम ओवर होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकंड मुझे लग रहा है ना थोड़ा अंदर वगैरह जाना चाहिए, यहाँ पर मिसाइल वगैरह मेरे पे डाल रहा है ये, इसकी बहस की आगे देख रहे हो, ये बड़े बड़े गोलियाँ भाई खतरनाक है, मतलब आग लग जा रही है। और ये कौन है भाई यार, ये मेरे पे गोली मार रहा है, कसम से मैं बच रहा हूँ, क्या ये यार, मैं तो फायर जा रहा हूँ तो मेरे पे ही डाल रही है कुछ ना कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। और ये देखो यार अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्या ही 360 काम कर रहा है, ओ गजब, और अपना ऊपर भी काम चल रहा है, बिल्कुल दिवाली वाला सीन हो गया, वैसे लग रहा है दिवाली बन रही है। अब एक सेकंड इसको मार दिया गया, एक सेकंड इसकी फैंस की आग चल, लेकिन
और कोई है क्या भाई? बिल्कुल ही अपने ग्राउंड वगैरह में आ चुके हैं, ये जस्ट हेलीकॉप्टर में से आ रहे हैं, जंप वगैरह कर रहे हैं और डायरेक्ट ना एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अपने। ये करो जब वो नीचे गिर गया। ये कौन बंदा मार रहा है कब से मेरे को? अरे इसको मार ही नहीं रहा अपना एयर डिफेंस सिस्टम, क्या सीन है यार? ये फाइटर प्लेन आ गया लगता है कोई। एक सेकंड ये मार रहा है क्या? वो शिट दूसरा है। वो शिट क्या ही निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना होगा वरना मेरा वेस्ट वगैरह टूट गया ना भाई, प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है एंड मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए। वहाँ पर अपना एयर डिफेंस तो काम कर ही रहा है, बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, और अपने एनएलजी के कुछ लोग भी यहाँ पे मैंने लगा रखे थे, वो भी तो कुछ काम कर ही रहे हैं। और एक सेकंड गाइस, लग रहा है ना सब कुछ क्लियर है। और अरे इसकी बेस के आगे भी चिंता है, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है, ये ना ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है, इतना मारने के बाद भी नहीं मर रहा है। वो शिट, लग रहा है ये इनका कमांडर वगैरह हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूनिट का कमांडर लग रहा है। अरे यार ये कौन है यार इसकी भैंस की आग मेरे को मार रहा है, घर में घुस गया। ओ इसको पता ही नहीं, एक सेकंड। अरे देख लिया, चलो छोड़ो अब ना, इसको बताता हूँ साले को। भाई अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर तो अमंडा और ट्रेसी है, मैगल के फैमिली अंदर। एक सेकंड मेरे को फैमिली को बचाना होगा, बट कोई बात नहीं, अंदर एनर्जी के बंदे भी हैं। चलो इसको मार दिया, बहुत बढ़िया वाला काम किया यार। ये साला मेरे को टारगेट कर रहा है, ये कौन है भाई इसकी भैंस की आग? कोई बात नहीं, अभी फिट लगा नहीं है ना, वैसे भी यहाँ पर देख रहे हो जो भी फायर वगैरह कर रहा है ना अपना एयर डिफेंस, वो नीचे ही लग रहा है। वो देखो ऊपर देखो यार गाइस, रॉकेट देख रहे हो? ख़त्म है, गेम ही ओवर है बिल्कुल ना। अभी ज़्यादा ही आ चुके हैं इनके एयर डिफेंस वाले, और अपने एनर्जी भी फुल काम कर रही है। चलो फटाफट से ना यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ मैं। ऑल राइट यार ऊपर आ चुका यार बहुत मुश्किल से, और यहाँ पर ये देखो एयर डिफेंस देख रहे हो नज़दीक से। अभी देख रहे हो यहाँ पर, मैंने आपको बोला था ये ठीक से वगैरह लगे नहीं है, एंगल देख रहे हो इनका, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो इसलिए लगा है थोड़ा इनका एम वगैरह एक्यूरेसी कम हो रही है। बट फिर भी यार काम कर रहा है अपना एयर डिफेंस वाला, मतलब मेरे को ऊपर लगाना है जो दिख रहा है ना कॉलम भाई, वहाँ पर फिट करना है उसको बिल्कुल ही। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम ऊपर फिट करेंगे, या थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंड वगैरह लगवा देंगे, वरना ये छत के ऊपर इससे लगा तो नहीं सकते ना हम लोग, मतलब कुछ भी यार छत के ऊपर डिफेंस लगाएंगे तो छत ही नीचे गिर जाएंगी। बट चलो ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंड वगैरह बनवाएंगे और ख़तरनाक वाला। और एक सेकंड गाइस, यहाँ पर ना क्या ही, ये देखो नीचे गिर गया। ओह शिट, एयर डिफेंस ओपी बोलते हैं भाई, नीचे गिरवा दिया है, बस अपने को देखना है इनका सर्कस यार। देख रहे हो, मैं भी मारता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड, ये ज़्यादा ऑन हो रहा है, इसकी बहस की आग चल निकल। ओ शिट, ज़्यादा ही हेलीकॉप्टर आ गए, बहुत ज़्यादा ही इसके पास पैसा वगैरह हो चुका है। कोई बात नहीं, ये देखो गाइस मेरे को मारने होगा। ओ शिट, अपना एयर डिफेंस अपने मारने से पहले ही, ये देख रहे हो बहुत बढ़िया। ये कौन सा प्लेन आ रहा है? एक सेकंड यार, ये जेट प्लेन तो नहीं है ना, वरना गाइस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं जेट प्लेन नहीं है, बच गए। वैसे भी जेट प्लेन इधर आ नहीं सकता है गाइस, यहाँ पे सब कुछ ना आर्मी वाले सब कुछ कंट्रोल वगैरह कर रहे हैं, बस हेलीकॉप्टर वगैरह आ सकते हैं। वो देखो भाई गेम ही ओवर है बिल्कुल ही, अभी तो फिट भी नहीं हुआ है, फिर भी गाइस एयर डिफेंस अपना काम है ना, मतलब एकदम बढ़िया वाला चल रहा है। ऑल राइट यार गाइस, मेरे को लग रहा है आप सब खत्म हो चुके हैं, अब मेरे को इतनी नीचे वगैरह जाना चाहिए, वरना बाकी का सब कुछ ना एयर डिफेंस। वो देखो कितने दूर से फोड़ दिया, आने से पहले ही गाइस गेम ओवर है, अब तो भाई सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है। ऑल राइट, ओ शिट ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड, इसको मैं मार दो, अभी थोड़ा एंगल की वजह से ना गाइस प्रॉब्लम हो रही है, एंड ऊपर थोड़ा हो नहीं रहा है क्योंकि ये उल्टे सीधे लगे, आप देख रहे हो हम जब इसको ना ऊपर ले ही आ रहे थे जब भी अटैक वगैरह हुआ है थी। ऑल राइट गाइस, चलो फटाफट से इसका भी गेम ओवर कर ही देता हूँ। एक सेकंड अपना गाइस, ये आते रहने वाले गाइस, मुझे लग नहीं रहा आएंगे ज़्यादा। एक सेकंड इसका भी गेम ओवर कर देते हैं यार, देख रहे हो एक्यूरेसी थोड़ी सी ना कम हो गई है डिफेंस की, ये देखो बराबर लगा है एकदम छत का उस तरीके से। चलो यार ये किसको मार रहा है, बिल्डिंग को फोड़ रहा है क्या भाई? ये तो गाइस रिसीव, ये अलग वाला प्लेयर है, इसके बाद आ ही जा रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने दो, अभी भी आ रहे हैं भाई। कितने इसके पास भाई, कितने हेलीकॉप्टर है सारा इधर, अपने पास एक हेलीकॉप्टर नहीं है, मतलब अपने सिक्योरिटी के लिए तो है, बट इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स, मजाक चल रहा है क्या गाइस? ये बहुत ज़्यादा ही गाइस सीरियस वाला मैटर हो रहा है गाइस, समझ रहे हो, हम लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, बट ये बंदा ना भाई रोज़ कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहा है, मतलब कल अपना शोरूम उड़वा दिया और आज माइकल की फैमिली को उड़ाने का प्लान था भाई, वरना बढ़िया हुआ कि हम लोग ने एयर डिफेंस सिस्टम इधर लगवा दिया, वरना ना भाई आज माइकल की फैमिली भाई इधर नहीं डायरेक्ट ग्रेयार्ड में दिखती। बट चलो यार गाइस सब कुछ कंट्रोल में है, वैसे सब कुछ ना हैंडल वगैरह कर रहे हैं हम लोग। ओह शिट,
अभी अपने कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम लोग ना हर कदम पीछे चल रहे हैं उसके। मतलब वो बंदा अपने से एक कदम आगे, मतलब अगर आप कुछ करते हैं ना, वो उससे पहले कुछ ना कुछ कर देता है, समझ रहे हो? मतलब अपन कुछ कर ही नहीं सक रहे, उसके पीछे रह रहे अपन लोग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक सेकंड। ओ शिट, नीचे गिर गया। अब मेरे को लग रहा है ना, ये घर कभी ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। बट एक काम करते हैं, अपनी जो फैमिली है ना भाई, उसको फटाफट से घर से निकाल देते हैं। वैसे ना कैसे ये फाइट कब तक भी चलते रहेंगे अगर यहाँ पर कुछ हो गया ना। चलो इधर एनएसजी के बंदे इधर ना इनको संभाल ही रहे, तो चलो फटाफट से चलो इधर से निकल लाऊंगा। यार इन लोग की फट रही लग रहा है मुझे, ये लोग लग नहीं रहा निकलने के मूड में। यार निकल लाऊंगा, चलो फटाफट से, एयर स्ट्राइक हो चुका है, इनको तो पता ही है। अब यार गाइस मुझे लग रहा है ना, अब बाहर कैसे जाएंगे यार बाहर? ये देखो गाइस, ये देखो डर रही है भाई, सब लोग डर रहे हैं। देखो पीछे बैठ गए ये लोग कह रहे हैं कि बाहर आने वाले नहीं है। अरे इधर नहीं बैठोगे तो फिर पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई। ये क्या हो गया, ये तो बाहर ही निकल गए डायरेक्ट। मैंने बोला घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, भाग गए अंदर। चलो यार फटाफट से बैठ जाओ। चलो यार गाइस सारे के सारे बैठ चुके हैं, और अपने को ना एनएसजी के बंदों ने एंड प्रोटेक्ट कर दिया था, बहुत अच्छी बात है। और शिट, ये देख रहे हो सामने भी बंदा है। ओह शिट, गाड़ी से उड़ा दिया इसको। यार अब ना गाइस इनको सेफ जगह ले जाना होगा कहीं। और वो देख रहे हो हेलीकॉप्टर वगैरह आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं गाइस अपने पीछे ना आए। बस फटाफट से इधर से निकलता हूँ और इनको ना कहीं एक बढ़िया से सेफ जगह पे ले जाता हूँ, एंड अपनी फैमिली बच जाएंगी। एंड ये कोस्ट मास्क का कुछ करना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि ये इतना पावरफुल हो चुका है ना, इतना पावरफुल डगन बॉस भी नहीं था। मतलब सोच रहे हो डगन बॉस से भी पावरफुल बंदा हो सकता है, मैंने ये सोचा नहीं था। बट यार पावरफुल बंदा निकला ये, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल। मतलब इतना खतरनाक इसके बंदे अंडर में काम कर रहे हैं ना भाई, एगल और एगल का छोटा भाई, और गाइस पता नहीं ये क्लाउड GTA 3 में का, और बहुत सारे लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, एंड पता नहीं कौन कौन इसके अंदर काम कर रहा है। तो यार बहुत बड़ा वाला माफिया ये बंदा, अब कैसे भी करके ना इसका पूरा एम्पायर हमको ख़त्म करना होगा। बट कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे। बट आज के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, इस वीडियो को लाइक करो, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ ट्राई वगैरह करते हैं, गेम ख़त्म करते हैं। बट पता नहीं गाइस बहुत पावरफुल बंदा है, फुल कोशिश करेंगे, मास्टर प्लान कुछ बनाएंगे वगैरह कुछ करेंगे, एंड लगा तो हम लोग नए वाली सिक्योरिटी भी खरीदेंगे या आर्मी का सपोर्ट लेंगे। पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, अब आगे जाके पता चलेगा। और फटाफट से ना आपको एक बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और गाइस तब तक के लिए सभी को बाय बाय।